हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। और 10th क्लास के लिए लास्ट वीडियोस में हमने आपका लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और एलिमिनेशन किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था। आज की वीडियो में हम लोग ग्राफ इक्वल मेथड सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, मतलब बहुत आसान है, आप ये समझ लो। आपने दूसरी तीसरी क्लास से ग्राफ बनाने शुरू कर ही दिए थे। आप उसी ग्राफ को आपको क्या करना है, बस दो इक्वेशन को एक ग्राफ पे बनाओगे और जहां पर दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब उस इक्वेशन की एक्स और वाई का आंसर, ठीक है ना। एक्स और वाई का जो आंसर आएगा वो हमें कैसे पता लगेगा, जहां पे हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे पास एक्स और वाई का आंसर होगा, ठीक है ना। अब बनाने के लिए जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, इक्वेशन बना लिख रहे 8th क्लास में 9th क्लास में, आप लोग इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाते थे और बॉक्स के अंदर क्या करते थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते थे और उसको अगर ड्रॉ करते थे तो आपके पास वो क्या आ जाता, उनका ग्राफ बन जाता था। यहां पे आपको 10th क्लास में क्या करना है, एक ही ग्राफ के ऊपर, सेम ग्राफ के ऊपर दो लीनियर इक्वेशन को आपको ड्रॉ करना है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 1। देखो ये सेम इक्वेशन मैंने आपको जो इससे पहले तीन मेथड कराए थे, तीनों मेथड में मैंने यही इक्वेशन यूज करी थी, ठीक है ना। इसी को हम लोग करते हैं आराम से, देखो कैसे करेंगे। आपकी इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हमारी इक्वेशन सेकेंड है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर आपके पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 वैल्यू से ग्राफ बना देंगे तो वो हमारा ग्राफ गलत हो सकता है। अगर आपका गलत भी हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका गलत हो गया। 3 वैल्यूज अगर एक ही लाइन में होती हैं तो उससे हमें बहुत क्लियर पता लग जाता है कि आपकी तीनों वैल्यू अगर एक ही लाइन में आ रही है तो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही हुआ है अपने इक्वेशन के हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 y को 0 हम ज्यादातर क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो हमने क्या करा, पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो अपने इस इक्वेशन में लिखोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस का y इज इक्वल टू 5। यहां से हमारा y कितना आ रहा है, 5, यहां पे लिख दिया 5। फिर हमने पुट किया y इज इक्वल टू 0, तो आपका यहां से आएगा x प्लस का 0 इज इक्वल टू 5। यहां से x कितना आ गया, इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। फिर पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो जो इनके आसपास आ रही हो, जैसे 5 और 5 है x और y, तो उनके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं x को पुट कर रहा हूँ 2 पुट कर देता हूँ, तो आएगा 2 प्लस का y इज इक्वल टू 5। y कितना आ गया यहाँ से, 3। अगर हमने x को 2 पुट किया तो y कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसके लिए टेबल बनाते हैं, इसका टेबल बनाया मैंने। एक्स वाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को एक एक बार जीरो पुट करेंगे। मैंने पुट किया एक्स इज इक्वल टू 0, तो आएगा 0 माइनस का वाई इज इक्वल टू 1। यहां से माइनस का वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब वाई कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू माइनस का 1। फिर हम लोग पुट करेंगे वाई इक्वल टू 0, वाई 0 पुट करेंगे तो आएगा एक्स माइनस का 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर लो इनके आसपास, x को 2, 3, कुछ भी। जैसे सपोज कर मैंने x को 2 पुट कर दिया, तो यहां से आएगा 2 माइनस का y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आएगा, उधर जाएगा तो आएगा माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस का 2, और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 1, और y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। जब हमने x को यहाँ पे 2 पुट किया तो आपके पास y कितना आ गया, 1 आ गया। आरिवास में, ठीक है ना। तो इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पे आपका आ गया ये तो y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा आ गया x एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां पे x और y की मैक्सिमम वैल्यू देखो, यहां पे पूरे में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, और मिनिमम है 0, और y में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। तो मतलब आपको ज्यादा ज्यादा माइनस 1 से 5 तक जाना है दोनों में। तो यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस में बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, यह आएगा 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2,
माइनस थ्री, फिर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, इसको सिक्स और लिख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले वाले को बनाते, देखो इसने क्या बोला है, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, फाइव, जब x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू फाइव, मतलब एक आपका पॉइंट ये आ गया, ठीक है। x की वैल्यू फाइव होगी तो y जीरो होगा, x की वैल्यू फाइव होगी तो y हमारा जीरो होगा। उसके बाद जब x की वैल्यू टू होगी तो y कितना होगा, थ्री, जब x की वैल्यू टू होगी तो y कितना होगा, टू के ऊपर थ्री, ये आपके पास। अब आप इसको देखो, तीनों पॉइंट लगभग आपके स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो हमारा कैलकुलेशन ये ठीक है। इसको आप ऐसे बना दोगे तो ये मेरे पास लाइन आ गया x प्लस का y इज इक्वल टू फाइव, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेकेंड ग्राफ देखते हैं, इसमें देखो x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन, x जीरो y माइनस का वन, तो ये हो गया, ठीक है। x की वैल्यू वन, y की वैल्यू जीरो, x वन y जीरो, उसके बाद फिर x टू y वन, x टू और y वन, ये आपके पास आ गया x टू और y वन, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक सॉल्व करी है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ये लाइन हमारे पास क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये तो आपके पास इनका ग्राफ बन गया, अब आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसमें देखो कि ये पॉइंट एक्चुअल में है कितना, मतलब x कितना ले रहा है, x आपका अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप अगर ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट नजर आएगा, मगर मेरा बोर्ड पे भी काफ़ी हद तक ठीक नजर आ रहा है ना। अगर आप डिस्टेंस वगैरह इक्वल लेके चलते हैं तो आपका अच्छा डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पे थ्री आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, थ्री, और y की वैल्यू कितनी हो गई, टू, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा कि x की वैल्यू थ्री हो गई, y की वैल्यू टू हो गई, इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, थ्री कोमा टू, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब आंसर x आपके पास आ गया थ्री और y कितना आ गया आपके पास, टू आ गया, ठीक है। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ठीक लगा रखा है ना। देखो बच्चों, अब इसमें एक और मेथड इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग ग्राफ का। देखो इसके लिए हमने बॉक्स बनाया, पहले इक्वेशन मैं पढ़ देता हूँ। इक्वेशन क्या है कि हमारे पास x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस का y इज इक्वल टू 10, दोनों में इक्वल टू 10 है, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम पीछे वाले स्टेप ही फॉलो करेंगे, ये नहीं कि आपका नया क्वेश्चन आया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, या इक्वल टू में पॉइंट आ गया या फिर 100-200 वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू बड़ी है, जब आप x को जीरो पुट करेंगे तो आपका वाई भी उसी हिसाब से बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी तो आप उसी के आसपास के x की वैल्यू पुट करें, ये नहीं कि आपका x, आपने x को जीरो पुट किया, वाई आपका आ गया सपोज करो 100, फिर आपने y को जीरो पुट किया, x आपके पास आ गया 200, फिर आप x को 1 पुट कर रहे हैं, 1 मत पुट करें, 50 40 ऐसी वैल्यू पुट करें, ठीक है ना। मतलब बड़ी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू पुट करोगे, अगर छोटी वैल्यू आएगी तो आप छोटी वैल्यू पुट करोगे, उसके आसपास की वैल्यू पुट करोगे। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन फटाफट करानी है आपको इसमें, है ना। यहाँ पे x और y, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो, जब हम लोग x को जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा, जीरो प्लस का, चलो कर लेते हैं ऐसे लिख लिख के, जीरो प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ से y कितना आ गया इक्वल टू 5, सही है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू जीरो, y को जब जीरो पुट करेंगे तो आएगा x प्लस का 20 इज इक्वल टू 10, मतलब कि x इज इक्वल टू आ गया 10, x 10 आ गया, y 0 पे। अब क्या करेंगे पुट, बताओ क्या करें, जैसे x प्लस यहाँ पे 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, अब y के साथ मल्टीप्लाई में तो y को कुछ ही पुट कर लेते हैं, जैसे मैंने x को y को यहाँ पे पुट कर लिया, 2 पुट कर लेते हैं, तो आएगा x प्लस का 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 माइनस का 4 इज 6, अगर हमने x को y को 2 पुट किया तो हमारे पास x कितना आ गया, 6 आ गया, मार्कर तो कम चल रहा है। देखो उसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए बनाते हैं हम लोग x और y, ठीक है। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही x को जीरो एक बार y को जीरो, मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू जीरो, जब हम x को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 3 0 प्लस का y इज इक्वल टू 10, क्या आएगा भाई यहां पे, y इक्वल टू आ गया 10, y आ गया 10, फिर हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू जीरो, जब हम y को जीरो पुट करेंगे तो आएगा 3x प्लस का 0 इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे आ गया पॉइंट में, तो पॉइंट में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आपको पता है ना होता क्या है, 10 बाई 3 है, 10 बाई 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.3 आएगा लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 3.3,
और आगे ना लेके जाएं पॉइंट में, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर कोई भी वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैंने x को पुट कर दिया 2, जब मैंने x को 2 पुट किया तो आएगा 3 इंटू में 2 प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो y कितना आ गया 4, देखो सही किया है ना। x को 0 लिखोगे तो y आ गया 10, y को 0 लिखोगे तो x आएगा 10/3 मतलब 3.3, x को 2 पुट करोगे तो आएगा 6, 10 माइनस का 6, y इक्वल टू 4। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखो आपको 10-10 वैल्यू लेके जानी है, x में 10 और y में भी 10। ठीक है, देखो ग्राफ थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। एक सीधी लाइन नहीं बनेगा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, आ गई ना। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, आप देखो इसको बनाओ, पहले वाले को बनाते हैं। जब आपके पास x के लिए 0 है तो y कितना आएगा 5, x 0 y 5 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर x 10 आएगा y 0, x 10 और y 0, उसके बाद फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, x 6 और y 2, ये आपके पास 3 आ। अब देखो ये लगभग आपके स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं ना तीनों पॉइंट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। इसको बनाते हैं, देखो ये यहाँ पे होगा लगभग, ये हमारे पास क्या आ गया, पहले लाइन आ गई। ठीक है ना, इसको लिखेंगे लाइन क्या, x प्लस का 2y। आपको ऐसे बता के चलना है कि कौन सी लाइन कौन सी है, ऐसे लिखना है कि ये वाली लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, अब अगले को बनाते हैं, x 0 आएगा, y कितना आएगा 10, x 0 y 10, x 3.3 कैसे बनाते हैं हम लोग, 3 है, 3 और 4 के बीच में आपको पता है ना 0.1 0.2 ऐसे करके होता है, तो 3.1 3.3 लगभग आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद x2 और y4, x2 और y4 लगभग यहां पे आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये मेरे पास लाइन आ गई 3x प्लस का y इज इक्वल टू 10, ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई। ठीक है ना, काफी हद तक सीधी बन रही है, इसको मान लेना कि स्ट्रेट लाइन है। आ रही बात समझ में? तो ये मेरे पास क्या आ गया, देखो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4, 2, 4, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर आपके पास कितना हो गया 4, ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? सारे के सारे ग्राफ ऐसी बहुत आसान से हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 20 क्वेश्चन अभी सेंड किए थे इसमें, कि आपको वही 20 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करने हैं, कर लिया आपने, फिर एलिमिनेशन से करने हैं, कर लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करने थे वो भी आपने कर लिए, अब आपको इससे भी करने ही है, इससे छोड़ने नहीं है, वो भी इस क्वेश्चन आपको इससे भी करने हैं, सबका आंसर सेम वही आएगा जो आपका तीनों मेथड से आया है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, आराम से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आधी रात को फोन करो, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है।